नमस्कार भैया बहनी, अपना पंचे देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। सिमरिया विधानसभा के पूर्वा फाल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण बरबस लोगन के ध्यान खींच ले थबे। एक कई जहां लोग परिवार के साथ लेके पिकनिक खातिर जात हमा, वहां प्रेमी जोड़न का एकांत खातिर यह जगह बहुत साबत ही अब एकांत के चक्कर प्रेमी जोड़न का महंगा पड़ सका था भाई। काहे ये वीडियो अपना पंचन का देखे के बाद समझ में आई जाई। ये वीडियो बनावे वाले के ऊपर कार्रवाई होई के न होई तब बाद में पता चली। पर ऐसा जगह में जाए के इसक फरमाओ कितना महंगा पड़ सका था एकर अंदाजा लगावा जा सका था भाई। गनीमत यह रही के वहाँ और लोगन के नजर वीडियो बनावे वाले के ऊपर पड़ी तो मौका से भाग निकला। प्रेमी जोड़ा कोनो स्कूल के पढ़िया ही जे स्कूल रसय में ही पूर्वा फाल पहुंचे रहे। देखिए वायरल वीडियो और सतर्क रही, साथ ही अपने आसपास नजर बनाए रखी जोने से या मेरे के भेड़िया के हूँ और का शिकार न बनाए पामा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं ये बोला कि अगर तेरे को करना है यहाँ परिवार लेके लोग रखता है। आप चुप रहिए। हाँ चुप रहा हूँ। दूबे बोल बेटा, तू अपना मुंह खोल, मुंह निकाल ले, पूरा निकाल। चल बता क्या बोल रहे थे ये। क्लियर बता, देखो समझ नहीं आता है कि कोई परिवार लेके यहाँ आता है, 10 रुपया 20 रुपया देता है। जिस प्रकार से पूर्वा फॉल से जो है वीडियो जो वायरल हो रहा है कि वहां पर जो है घूमने आने वाले जो पर्यटक हैं, जो बच्चे हैं, उनके साथ में कैसा दुर्व्यवहार, वहां के लोग जो अवैध वसूली करते हुए, लोग जो वहां पर अवैध वसूली कर रहे हैं उनके द्वारा जिस प्रकार से आज जो है किसी की बहन किसी की बेटी जो वहां पर आई थी। रीवा के ढेकहा माही उस समय एक बाइक सवार दंपति अपने बच्चा के साथ दर्दनाक सड़क हादसे के शिकार हुई गए। जब वो अपने 1 साल के बिटिया के इलाज खातिर रीवा में आवत रहे, भयानक हादसा माही 1 वर्ष के सपना सेन मौके में दम तोड़ दिए। वह महिला के पैर कटिए, साथ है बाइक सवार गंभीर तरीका से घायल हुई गए, जिनकर गंभीर हालत में संजय गांधी अस्पताल में पहुंचावा गया है जहां उपचार की जात ला हुए। बुलेटिन के अगली खबर रही मऊगंज झर्रहा गांव से, जहां बकरी चोरन के पहले तक गांव वाले खूब खातिरदारी करें और ओके बाद पुलिस के हवाले कर दी। चोर स्कॉर्पियो गाड़ी से आए रहे, जे पकड़े जाए पर मनोज सिंह गोड़ के ऊपर चाकू से हमला कर दी। बस एक बाद गांव वाले चोरन का पहले तक सबक सिखाए और ओके बाद उनका आधार कार्ड और गाड़ी जोने के नंबर UP 64 MO 19 हबे ओकर कागज घलाए पुलिस का दे दिन। गांव वाले तो अपन फर्ज निभाए दिन, पर देखा वाली बात यह हुई कि पुलिस वाले और चोरिन के खुलासा कर पावा था कि नहीं। देखिए आरोपी का कुछ जानकारी दिन हुए। गोविंद प्रजापति, गोविंद प्रजापति, तुम्हारे मालिक का क्या नाम है जो तुम्हें लेकर आया था? राम बाबू। बुलेटिन के अगली खबर रही सुहागे थाना के तमस नदी में बूढ़े युवक के, जिनका 4 दिन खोजे के बाद आज 5वां दिन शव बरामद होगा। बुधवार का बिहार ने 7 बजे करीब रोहित सोनकर पिता राम रसिया सोनकर उम्र 21 वर्ष जो सुहागी थाना के गंगतीरा कला के रहिया रहे उनकर सब रेस्क्यू टीम का मिला हब। वहाँ रेस्क्यू टीम के प्रभारी घनश्याम पांडे के नेतृत्व में ही खोजबीन की जात रही हब। शव शिनाख्त के बाद पुलिस का सौंप दिन का। कोरोना ओमिक्रॉन के नए रूप में सामने आवा है, जोने के प्रकोप का देखत सभी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय परीक्षा स्थगित कर दी है। PTRS कॉलेज स्वशासी एक्सीलेंस होए के नाम पर अपने मनमाने तरीका से परीक्षा करावे चाहती, यह मेरे के कहा है NSUI के प्रदेश सचिव अभिषेक तिवारी और जिला उपाध्यक्ष सुभव सिंह चंदेल के साथ सभी छात्रन के। वह छात्र आगे कहें कि हम परीक्षा के विरोध में हैं और ये महामारी के समय में अपन जान जोखिम मन नहीं डाले चाहता, अकेला ने ये परीक्षा निरस्त कराई जाए। आज कॉलेज का घेराव किया जा रहा है क्या? क्योंकि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में और देश भर में कोरोना का एक नया वेरिएंट जो ओमिक्रॉन तेजी से सामने आ रहा है, 11 तारीख से परीक्षा करने का आदेश दे रखा है। हमने मांग करी, प्रदर्शन कर, हम साथियों के साथ विरोध कर वापस मांग रखी है कि जिला के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में ही आस्था फ्यूल में रात 12:30 बजे खड़ी JCB का चोर पार कर दिन। अपना को बता दें कि चोरी की घटना CCTV कैमरा में कैद भई है, जोने के आधार पर पुलिस तलाश कई के उत्तर प्रदेश के घूरपुर से JCB का बरामद कर लिहिन। आरोपी के तलाश की जाल लाही है। वह फरियादी बताएं के पिछले रात में वो अपने JCB मशीन का रायपुर करचुलियान थाना के आस्था फ्यूल में खड़े करे रहे, जोने पर बीती रात चोर पार कर दिन। घटना की शिकायत के बाद रायपुर करचुलियान पुलिस कार्रवाई कई के JCB का बरामद करें और आरोपी के तलाश की जाल लाही है। Thank you.
रीवा माही स्वर्गीय पूर्व सांसद सुखलाल सिंह जयंती के अवसर माही सामाजिक समरसता समानता भाईचारा और सहयोग के भावना का दृढ़ करे के लाने कई वर्षन के परंपरा का निभाई के राज कपूर ऑडिटोरियम में विचार संगोष्ठी और कार्यक्रम के आयोजन की इनका देखी कार्यक्रम के झलकी और मौजूद लोग का कुछ बताए। ये मंच की तरफ से कार्यक्रम की तरफ से उनका हार्दिक वंदन स्वागत अभिनंदन हम आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद क्षमा करते हमारे ये जो मजाक चल रहा है पूरी तरह से जब नियम प्रक्रिया है वो पांच चुनाव उसी नियम प्रक्रिया में मध्य प्रदेश में हुए तो कोई न्यायालय तो नहीं गया। न्यायालय क्यों गया जब सरकार गलती की, सरकार के नेता कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते हैं, अरे तुम्हारी गलती है, तुमने नियम प्रक्रिया चुनाव क्यों नहीं कराया, क्यों लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। कोर्ट तो लोग गए थे कि रोटेशन में चुनाव हो, आरक्षण प्रक्रिया विधिवत होनी चाहिए। रवि, ये कार्यक्रम स्वर्गीय पूर्व सांसद सुखलाल कुशवाहा जी की जयंती के अवसर पर परंपरागत तरीके से पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है और इस कड़ी में उनके जो मित्र मंडल के लोग हैं, जो उनके साथी, जो संघर्ष के साथी, उन लोगों ने रीवा में ये कार्यक्रम करने की इच्छा जाहिर की थी और इसलिए यहाँ रीवा में कार्यक्रम हो रहा है। और जो सामाजिक समानता, समरसता, प्रेम, भाईचारा, एक दूसरे को सहयोग करने की जो भावना, उसको मजबूत करने के लिए कार्यक्रम होता आया है और आगे भी ये परंपरा हम लोग इस परंपरा को और मजबूत करते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे हटा लो, संभागीय कार्यक्रम थे, कहाँ कहाँ से लोग आए थे? अब चूंकि बहुत शॉर्ट नोटिस का कार्यक्रम है तो तमाम आसपास के ज़िले के प्रमुख लोग हैं, ज़्यादातर लोग तो रीवा ज़िले के ही हैं। आसपास के विचार संगोष्ठी की गई तो किस तरह के विचारों पे? ये जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आरक्षण के साथ खिलवाड़ हुआ है वो भी। तबे भैया बहनी, आज के बुलेटिन में इतना ही। बघेली में खबर देखे के लाने देखत रही हमारे विंध के बघेली समाचार। नमस्कार।